इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का नहीं, ये जीवन व्यवस्था है सारे इंसानों के लिए, उनके निर्माता और पालनहार की ओर से। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए। मरने के बाद सबको उसी अल्लाह के पास जाना और हिसाब देना। दुनिया जिन समस्याओं से जूझ रही है उसका बेहतरीन हल भी इस्लाम ही में। आओ इस नए वर्ष प्रतिज्ञा करें कि हम इस्लाम को समझेंगे, उस पर अमल करेंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे। इस्लाम सबके लिए जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र का 10 दिवसीय इस्लाम सबके लिए अभियान दिनांक 9 जनवरी से 18 जनवरी 2015 तक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहाबी अजमईन अम्मा बाद फकत قال الله تبارك وتعالى في القران الحكيم والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون صدق الله العظيم। मोहतरम भाइयों और बहनों, जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र पूरे महाराष्ट्र में 9 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक एक मुहिम चला रही है इस्लाम सबके लिए। आप जानते हैं कि जमात इस्लामी भारत को एक ऐसा देश देखना चाहती है जहां कोई भिखारी ना हो, जहां कोई वेश्या ना हो, जहां बच्चों को भी अधिकार मिले, बूढ़ों को भी अधिकार मिले, जहाँ अमीरी और गरीबी में इतना फर्क ना हो बल्कि हर इंसान इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, यहाँ किसानों को आत्महत्या न करना पड़े और किसी लड़की पर बलात्कार न हो। ये सारी कोशिशें जमात इस्लामी कर रही है, वो गरीबों की स्कॉलरशिप के लिए, बीमारों के इलाज के लिए हमेशा तैयार रहती है। इस मौके पर वो ये चाहती है कि आजकल मजहब के नाम पे जो नफरत फैलाई जा रही है उसको दूर किया जाए, एक दूसरे के मजहब के बारे में मालूमात दी जाए। हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों को मालूम होना चाहिए कि गीता में क्या है, वेदों में क्या है, अंबेडकर साहब ने क्या कहा है और दूसरे महान नेताओं ने यहाँ की क्या बात कही है। उसी तरह हमारे बिरादराने वतन, हमारे देश बंधुओं को यह भी मालूम होना चाहिए कि कुरान क्या कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन क्या था, इस्लाम और मुसलमानों की क्या धारणाएं हैं। इसी पैगाम को लेकर हम उठे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि इस्लाम का पहला पैगाम है कि सबका खुदा सिर्फ एक ही खुदा है। वो ये कहता है कि पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड जिसने बनाया है वही खुदा है, वो किसी एक का खुदा नहीं है, वो सिर्फ मुसलमानों का खुदा नहीं है बल्कि सारे इंसानों का खुदा है, पशु और पक्षियों का खुदा है, वो कीड़े और मकोड़ों का खुदा है, वो पहाड़ों और झाड़ों का खुदा है, वो सबका रब है, रब्बुल आलमीन है। और उसने जहां इंसानों की जिंदगी के लिए सामान किया, उनके खाने पीने के लिए, रहने के लिए, जीवन गुजारने के लिए, वहां उसकी सबसे बड़ी जरूरत यह थी कि वह अपने माता के साथ कैसा व्यवहार करे, अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करे, अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार किए। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने हर जमाने में जैसी भाषा थी, जैसी कौम थी, उनका मार्गदर्शन किया। हम ये समझते हैं कि आज दुनिया में जितने भी धर्म हैं, मजहब हैं, वो सब एक ही सोर्स की तरफ से आए हैं, वो खुदा ही की तरफ से आए हैं। लेकिन लोग उसमें की कुछ बातें भूल गए, कुछ शरीर लोगों ने उसके अंदर बिगाड़ पैदा किया और वो जो है मिलावट उसके अंदर हो गई है। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने एक के बाद दिगर नबी प्रेषित भेजे, पैगंबर भेजे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे से पहले 1,24,000 ऐसे पैगंबर आए, मैं कोई नया पैगंबर नहीं हूं, मेरी खसूसियत ये है, मेरा इंपॉर्टेंस ये है कि मैं अब अंतिम नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके हैं, सारे इंसानों के लिए, सारी मखलूक के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं। इसी तरह तीसरी बात इस्लाम ये कहता है कि ये जीवन ही समाप्त नहीं होने वाला है, खुदा ने ये जीवन दिया है तो ये ऐसा है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, ये अनंतकालीन जीवन है। मृत्यु तो बस एक परिवर्तन है, इसे इंतकाल कहते हैं, मुंतकिल होना, ट्रांसफर होना, आत्मा सिर्फ ट्रांसफर होती है, आदमी मरता नहीं है।
और ये जीवन इसलिए दिया गया है कि यहाँ परीक्षा की जाए कि कौन अच्छे कर्म करता है और कौन बुरे कर्म करता है। जो अच्छे कर्म करेगा उसे हमेशा हमेशा की जन्नत मिलेगी, और जो बुरे काम करेगा उसे हमेशा आग में जलना पड़ेगा। कुरान ने बहुत वाजे तौर पर यह बात कही। कुरान भी सबके लिए है, कुरान हुदल्लिन नास है, सारे इंसानों के लिए हिदायत है। कोई एक पक्ष और मुसलमान ये नहीं कह सकते कि कुरान हमारा है, अल्लाह हमारा है, नबी हमारा है। नहीं, अल्लाह सबका है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके हैं, कुरान सबका है और इस्लाम भी सबका है। और ये इसलिए नहीं है कि किसी का धर्म परिवर्तन हमें कराना है, हम ये चाहते हैं कि लोग वाकिफ हो जाएं कि उनकी क्या अमानत है। मैंने अभी कुरान की जो आयत आपके सामने पढ़ी उसमें अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि जो लोग छुपाते हैं वो चीज और वो जीवन व्यवस्था जिसे अल्लाह ने बहुत ही वाजे किया है, स्पष्ट किया है, इसके बाद कि अल्लाह ने उसे एक किताब में स्पष्ट किया लोगों को बताने के लिए, लेकिन वो छुपाते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि उन पे लानत है अल्लाह की और फरिश्तों की जो कि लानत करते हैं। इसके बाद मुसलमानों को और जिनके पास किताब है उनको मुतवज्जे किया गया, आगाह किया गया और कहा गया इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू व बय्यनू, लेकिन जो पलट आए, तौबा करें, अब बताने लगे और अपनी इसलाह कर लें और वो बातें बताएं जो किताब में लिखी हुई हैं लोगों तक पहुंचाएं, तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया फाउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम, मैं उन्हें माफ कर दूंगा और मैं बहुत ही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला हूं। लेकिन कहा कि अगर मुसलमान होते हुए भी अगर कोई ये स्पष्ट बात लोगों को नहीं बताएगा, ये जीवन व्यवस्था नहीं बताएगा, तो उसके लिए क्या बात फरमाई इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू, जो लोग इनकार करें इस बात से और मर जाए वह कुफार और कुफार उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वल नास अजमईन, तो उन पे लानत है मलाइका की, तमाम फरिश्तों की और तमाम इंसानों की और अल्लाह की। और कहा गया कि वो हमेशा जिल्लत के अजाब में रहेंगे, उन पर लानत बरसती रहेगी, इसमें कोई कमी नहीं होगी। ये बातें समझने की हैं, हम मुसलमानों को यही बात बता रहे हैं कि उनके पास एक अमानत दी गई है। भ्रष्टाचार किसको कहते हैं? एक सड़क बनती है, उसमें से कुछ पैसा बीच वाले खा जाते हैं, सड़क अच्छी नहीं बनती, हमारी गाड़ी खराब होती है, ठोकर लग जाती है, हम कहते हैं कि लोग करप्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार उसको कहते हैं कि जिसकी चीज है उस तक ना पहुंचाया जाए और बीच में खाया जाए। ये कुरान अल्लाह तबारक तआला ने सारे इंसानों के लिए भेजा और ये मुसलमानों के पास अमानत है दूसरों की पहुंचाने की। अगर मुसलमान ये अमानत नहीं पहुंचाते हैं तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? लोगों के भ्रष्टाचार से तो दुनिया खराब हो सकती है, लेकिन मुसलमानों की इस भ्रष्टाचार से कई लोगों की आखिरत, अनंतकालीन जीवन, उनके हमेशा की जिंदगी खराब हो सकती है। इसलिए हम मुसलमानों से कहते हैं कि आप उठो और अपनी जिम्मेदारी को समझो, खुद भी इस पे अमल करो और दूसरों को भी पहुंचाओ। उसी तरह हम देशवासियों से ये बात भी कहते हैं कि आओ आगे बढ़ो। आज जो समस्याएं हमारे पास हैं, चाहे 6 साल की बच्ची पे बलात्कार हो रहा हो, चाहे एक समाज में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ हो, ये सब को दूर करने के लिए इस्लाम और कुरान आपके सामने है। आप इसे एक बार देख तो लीजिए, अगर आपको ये पसंद आता है और अगर इसमें बताई हुई चीजें हमारे जीवन में शांति ला सकती हैं, समृद्धि ला सकती हैं, और अगर पूरे भारत को पूरी दुनिया का पथ प्रदर्शक बना सकती हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये एक सोचने की दावत है, ये अभियान है। आइए हम सब मिलजुल कर कोशिश करें और अपनी दुनिया की जिंदगी को भी कामयाब करें और आखिरत में भी। हम नफरतों की दीवारों को तोड़े, आओ हम गले मिलें, हम मोहब्बत करें, हम एक दूसरे के भाई भाई बन जाएं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।